मिलेगा अगर आपने हमारी फोन ना की मोदी सरकार मोदी सरकार मोदी सरकार मोदी सरकार गुंडागर्दी नहीं चलेगी धक्काशाही नहीं चलेगी धक्काशाही नहीं चलेगी काले कानून वापस लो काले कानून वापस लो काले कानून वापस लो काले कानून देश में कृषि कानून को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आज 19 दिन हो चुके हैं किसानों को अपना प्रदर्शन करते हुए। सरकारों से काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई है लेकिन किसी भी तरह का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। अब देश से भी किसान आंदोलन को समर्थन लगातार मिलना शुरू हो चुका है और आज जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में भी किसानों को लगातार समर्थन आज मिल रहा है और सरकार के खिलाफ आज यहाँ पर जो सिख समुदाय है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है और जो किसान आंदोलन है उसे ख़त्म करने की बात की जा रही है। किसानों के जितने भी मसले हैं उसे जल्द हल करने की बात यहां पर की जा रही है। कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं, किसान लगातार 19 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं? बात ऐसी है कि बड़े अफसोस की बात है कि जो मुल्क का अंत आता है, जो सबके पेट भरता है, आज वो 19 दिन से नहीं कर रहा, उसको 3 महीने हो गए हैं। पंजाब के अंदर उसने लगातार 2.5 महीने ये एक अपना पीसफुल प्रोटेस्ट किया है, हर जगह टोल प्लाजों पे, जगह जगह सड़कों पे। उसको ये था कि इस हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को समझ आ जाएगी कि ये हमारे साथ धक्का है। इन्होंने किसानों के साथ बहुत बड़ा धक्का किया, शायद मोदी गवर्नमेंट को समझ आ जाएगी, ये बिल वापस कर लेंगे। पर जब उन्होंने देखा कि 2.5 महीने सड़कों पे रहने के बाद इनके कानों में जूनी सिरकी, तब वो उन्होंने दिल्ली के लिए कूच किया। और ये खाली पंजाब का किसान नहीं है, पूरे देश का किसान इस समय सड़कों पे बॉर्डरों पे आ गया है। और खाली किसान नहीं है, मजदूर सभी जितने भी उनके सपोर्टर हैं, हर एक इस मुल्क का बच्चा बच्चा उनके साथ है। क्यों है कि एक काले कानूनों के जरिए इस मुल्क के जो कॉरपोरेटर घराने के लोग हैं वो इस किसानी पे अपना कब्जा करना चाहते हैं। जब उन कॉरपोरेटरों का इस किसानी के ऊपर कब्जा हो गया, इतनी बड़े बड़ी हस्तियों का, तब ये जो हमें अनाज इस समय 20-22 रुपए किलो मिलता है, ये हमें 200-200 रुपए किलो से नीचे नहीं मिलेगा। आप बताओ ये क्या खाली किसानों का संघर्ष है, ये हर एक इस मुल्क के बच्चे का संघर्ष है। हमें समझ नहीं आ रही कि मोदी सरकार इतनी क्यों लापरवाह हो चुकी है, उनका क्यों नहीं समझ आ रही किसानों की बात की। इतना बड़ा लेवल का प्रोटेस्ट चल रहा है, वो कितने दिनों से वहाँ पे अपने बच्चों को लेके, परिवारों को लेके, हिंदुस्तान का एक एक बच्चा जाके उन रोडों पे बैठा है, दिल्ली में जाके बैठा हुआ है कि इनको समझ आ जाए। वो डेली हमें लिंग राउंड करने के लिए अगली डेट दे रहे हैं, जैसे हमारे कोर्टों पे डेटें चलती हैं वैसे ये मोदी सरकार डेटें दे रही है, डेटे दे दे कि इस टाइम को लिंग राउंड कर रही है। किसान आंदोलन की अगर बात करें तो पंजाब से शुरू हुआ था और अब देश भर से किसानों को जो है वो समर्थन मिलना शुरू हो चुका है। जम्मू में भी अब लोग जो है वो समर्थन दे रहे हैं किसानों को, तो क्या लगता है कि क्यों देरी हो रही है? सर बात ऐसे है कि जो हमें समझ आ रही है कि इन गवर्नमेंटों के ऊपर भी किसी का कब्जा है, वो उनके ऊपर भी भारी हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अंडानी अंबानी बड़े बड़े जो जितने घराने हैं वो उनके शहरों पे नाच रहे हैं। क्यों नाच रहे हैं? कि बहुत बड़ा फाइनेंस उनका वहाँ से सपोर्ट होती है और वो जो चाहेंगे वो होगा, उनको वो हरी झंडी नहीं दे रहे। कानून तो इन्होंने बनाए हैं पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन किसके दबाव से बनाए हैं?
दबाव किसी और का। ये भी कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन को पूरी तरह से हाईजैक कर दिया गया है, जो एंटी नेशनल एलिमेंट है वो उसमें शामिल हो चुके हैं, कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को खराब करने की कोशिश की जा रही है। बड़े अफसोस की बात है, जब गवर्नमेंटों के पास कोई अपनी पब्लिक के लिए सही मुद्दा बताने के लिए नहीं होता, वो किसी को किसी प्रकार के एक लेवल लगा देते हैं, किसी को इंटरनेशनल बता देते हैं, किसी को वक्फवादी बता देते हैं, किसी को मऊवादी बता देते हैं, किसी को खालिस्तानी बता देते हैं, किसी को कुछ, वो इनके पास ट्रैक कितने हैं, किसी के पीठ में भी ये ट्रैक लगा सकते हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इस आंदोलन में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे और पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगे, और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर सिर्फ खालिस्तानी और जो पाकिस्तानी है वो इस आंदोलन को खराब कर रहे हैं। आपने किसी का आंदोलन बन के रह गया सिर्फ आप ऐसे है कि इतने बड़े जहाँ पे लाखों की गिनती होती है उधर इंडिया के बेस पे कोई 5-10 बंदे आके किसी चीज़ का नारा लगा दें, क्या वो लाखों लोग लगा रहे हैं नारा? वो लाखों लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो पीसफुल कर रहे हैं ना, वो तो नहीं लगा रहे हैं। वो कोई 5-10 बंदे आके साइड से इनके भेजे हुए या क्या किसके प्लान किए हुए कि किसी को नहीं पता होता, वो नारा लगा देंगे, क्या वो लाखों लोगों की गिनती उसमें आ जाएगी? ये बड़े अफसोस की बात है। जो इनका जो गृह मंत्री है, गृह मंत्री ने खुद बोला हिंदुस्तान के गृह मंत्री ने कि ये किसानों का प्रोटेस्ट है। इनके जो बाकी लीडर साहबान हैं, जो बाकी केंद्र के मंत्री हैं, वो अपनी अपनी मर्जी से बयान दे रहे हैं। पहले इनके सुर तो एक नहीं है, जो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं उनके एक सुर नहीं है आपस में। पहले तो वो क्लियर करें कि इनका जो गृह मंत्री है वो ठीक बोल रहा है या इनके मिनिस्टर ठीक बोल रहे हैं। आपकी बातचीत से कोई मसला हल होगा? ये बातचीत से मसला ऐसे हल होगा कि ये अपनी जिद छोड़े, खास करके मोदी सरकार अगर ये सोच रहे हैं कि अभी तक 9 इसमें जो गलत है कानून के, अगर 9 गलत है इसका मतलब कानून गलत है, फिर उसको वापस ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है? उसको वापस लेके किसानों के साथ बैठो, उनके लीडरशिप के साथ बैठो, दोबारा बैठ के उनके साथ बैठो, दोबारा बिल को ही देख लो, अच्छा उनके हक में जो बिल वो ले लो, कि जो हमने फाइनल कर दिया वो थोड़ी है कि हमने कर दिया हम पीछे नहीं हटेंगे। ये तो मुल्क के एक हुक्मरान की ये वो बात नहीं है ना, अच्छी नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उनसे बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर से जी आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। जदू कखां दियां चौपड़ियां चों इनकलाब दी करिश्मा निकलदियां ने, शाही चुवारे शाही मनारे देखते रह जांदे। मैनू पुंछ दे इलैक्ट्रॉनिक मीडिया ने पूछा सी कि मोदी राज कद तक चलेगा, तो मैं ये चीज़ कही सी जब तक इत्थे दियां औरतां, इत्थे दियां मातावां, इत्थे दियां भैणां, इत्थे दे रिफ्यूजी लोग जम्मू कश्मीर दे, इत्थे दा हिंदू, इत्थे दा मुसलमान, इत्थे दा सिख मोदी साहब दे नाल खड़ा है। खासकर अन्नदाता जिमींदार किसानी दा तलक रखण वाला जिन्हों के बच्चे इतने साड़ी रक्षा दे विच बार्डरां ते बैठे हैं और ग्लेशियर बर्फ दे विच जड़ियां दे रहे हैं। तो मैनू अज लाल बहादुर शास्त्री जी का वो नारा याद आ रहा है, जय जवान जय किसान। जिते मेरी फौज बस्ती ते मोर्चा किसाना तेरा, मोदी साहब अजें भी डुले बेरों का कुछ नहीं बिगड़िया। बैठो जिद ना करो, क्यों जे तुसी राजनीतिक हो, पब्लिक चुने दे नुमाइंदे हो, तो फौरन इस बिल नूं रद्द करो। क्यों हिंदुस्तान का अन्नदाता खुश है तो हिंदुस्तान मजबूत है, हिंदुस्तान का नौजवान मजबूत है तो हिंदुस्तान जरा मजबूत है। उस तो बाद हिंदुस्तान की बहुत बेट तुसी कहते बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, असड़िया मावं भैन इसलिए इस कोरे के बीच दिल्ली के बार्डर से बैठिया हैं। और ये बख्शिश से गुरु नानक साहब दी है कि आज 20 रुपये का लंगर जरा 20 रुपये गुरु नानक देव जी खत्म हो रहे, और आज वो लोग जड़े कई अवाणा में बैठे कानून बना रहे हैं और मजदूरों देखन, और जम्मू से कश्मीर के बीच बेरोजगारी बढ़ी है। और मैं कहना इतने इंडस्ट्रियां लगाइया जान, बेरोजगारी दूर की जाए, 1947 के रिफ्यूजियों का मसला हल किया जाए, उन्होंने 25 लाख रुपया दिता जाए, और जड़े लोग शहीद होए इस बीच उन्होंने 10,000 रुपया पेंशन दी जाए और 10,00,000 रुपये का मुआवजा दिया जाए। जय जम्मू जय हिंद। तो साफ तौर से किसानों को लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा रोष है। अब ये आंदोलन था कि पंजाब से निकला, पंजाब के किसानों ने सबसे पहले इस आंदोलन को शुरू किया था, और अब किसान जो है वो दिल्ली के बॉर्डर पर जो है वो जमा हो चुके हैं और प्रदर्शन वहाँ पर लगातार जारी है, और जम्मू में अब किसान आंदोलन को समर्थन मिलना शुरू हो चुका है। और ये साफ कर दिया है किसानों की, जब तक उनकी डिमांडों को पूरा नहीं किया जाएगा किसान अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। अब सरकार को
ये देखना है कि सरकार किस तरह से निर्णय लेती है, क्या इस कानून में अमेंडमेंट होगी या फिर नहीं, या फिर किसान इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे। बने रहता पब्लिक के साथ, धन्यवाद।